सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड पॉप एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमए लखनऊ। तो अब तक देखो मैंने चैनल पे एक कोई प्रॉपर तरीके से वीडियो नहीं बनाई जिससे कि आपको एक मैं ये ओरिएंटेशन दे सकूं कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको, ठीक है। नीट 2024 के लिए मैंने लास्ट में वीडियो बनाना शुरू किया, तो वहाँ पे मैंने ज़्यादातर फोकस किया चीज़ों को पढ़ाने के लिए, है ना, क्योंकि टाइम ही नहीं था कि मैं ज़्यादा चीज़ों को बता सकूँ कि ऐसे ऐसे करो। तो लास्ट टाइम में जो भी चीज़ें करी जा सकती थी वो मैंने आपको बताई, लास्ट में दो तीन वीडियो मैंने बनाई थी, ठीक है। अभी क्या है कि अभी 2025 के लिए हम लोग एक मतलब कि कहें तो एक फ्रेश तरीके से प्रिपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। मैंने आपको एक वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ में यदि आप कन्फ्यूज हैं, आप यदि कई लोगों से आप ओपिनियन ले रहे हैं, क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग माहौल होता है, क्योंकि काफ़ी सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि हमें कंफ्यूज करते हैं कि हमें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो एज ए एमबीबीएस परस्यूइंग स्टूडेंट मेरा क्या ओपिनियन है आपको ड्रॉप लेने के लिए, वो मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस करी हुई है, तो वो वीडियो आप एक बार से जरूर देख लो। अब यदि आपने इस चीज़ को ठान लिया है कि आपको ड्रॉप लेना है, आपको तैयारी करनी है 2025 के लिए, तो कैसे करनी है, ठीक है। आप अभी तक बहुत सारे वीडियोज या बहुत सारे लोगों से ये चीज़ें जान चुके होंगे कि क्या आपको प्लानिंग रखनी है, क्या आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना तरीका बताऊंगा आपको, ठीक है। सब लोग अपना शेयर कर रहे हैं, मैं भी आपको बताऊंगा कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो देखो मेरा जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो काफी सिंपल है, ठीक है। मैंने मतलब कि एक प्रिपरेटरी फेज को एक बहुत सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वो मतलब कि बहुत सिंपल तरीका है, कुछ ही चीजें हैं जिनको आपको करनी है और बार बार करनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा बहुत मतलब कि एकदम भारी भरकम चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि सिंपल एंड इफेक्टिव, ठीक है। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटजी रहेगी अपनी, बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है। लेकिन जो मैं कहूँगा वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो 2024 के लिए तो बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाया शुरुआत से, लेकिन अब इस बार हम सारी चीज़ों को ध्यान देंगे कि कैसे पढ़ना है, अपने को क्या करना है, कौन से बुक्स फॉलो करने हैं, कौन से लेक्चर फॉलो करने हैं, ठीक है। कैसे अपने आप को स्टेबल रखना है, ठीक है। मतलब कि एक पूरा जो साल होता है वो एक मतलब कि पूरा एक प्रोसेस होता है यार प्रिपरेशन का, ठीक है। तो कैसे सारी चीज़ों को मैनेज रखना है और मतलब कि प्रिपरेशन को कैसे बहुत अच्छे से करना है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस बार देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि 2024 एग्जाम के बाद आप एक महीने का रेस्ट लो, ठीक है। अपने आप को रिसेट करो, ये डिसाइड करो कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, और यदि ड्रॉप लेना है तो हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। तो अब एक महीना लगभग बीतने को है, तो अब हम यहाँ से मतलब कि एक कुछ सीरीज ऑफ वीडियोज आएंगी, ठीक है, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ड्रॉपर जो बच्चे हैं उनके लिए मतलब मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको क्या चीज़ें करनी है। बहुत सिंपल तरीका है, जो मैं कह रहा हूँ सिर्फ उतना करो, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जितना है वही काफ़ी है, ठीक है, इतना ही कर लो, बहुत है, है ना, यही करना है। तो देखो अपने पास जो ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या है कि एक बार का उनका सिलेबस देखा हुआ है, ठीक है। उन्होंने काफ़ी लेक्चर्स भी अटेंड किए हुए हैं, नोट्स भी हैं उनके पास, अच्छे हैं बेकार हैं, है ना, और मतलब कि क्लासेस अटेंड की हुई हैं, उनको सिलेबस देखा हुआ है, नोट्स भी है, काफ़ी सारी चीज़ें याद भी हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपने को प्रोसीड करना है। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है कि अपने को सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अभी मैं यदि आपको बताऊँ तो आपका अक्टूबर नवंबर तक, दिसंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, अक्टूबर नवंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये जो आपका सिलेबस कंप्लीशन का फेज है ये आपका जून से दिसंबर तक होना है, ठीक है। ये लगभग 8 से 9 महीने का आपका रहेगा। तो इसमें आपको जून से दिसंबर तक अपने आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। तो देखो यहाँ पे अपने पास दो टाइप के बच्चे हैं, एक जिनका जस्ट ड्रॉप हुआ है और जिनके ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं, ठीक है, जिनके ऑलरेडी ड्रॉप हो चुके हैं। तो जिनका जस्ट ड्रॉप है उनका मतलब कि ढंग से प्रिपरेशन नहीं था या प्रिपरेशन था, है ना, नोट्स हैं, नोट्स अच्छे नहीं हैं, लेक्चर उन्होंने मतलब कुछ खास सीरियसली अटेंड किया नहीं था, ठीक है। तो अब क्या करना है कि अभी अपने आप को सीरियसली सब कुछ ओरिएंट करना है। तो आपको करना क्या है कि आपको लेक्चर अटेंड करने हैं, नोट्स बनाने हैं। सिलेबस कंप्लीशन का मतलब ही होता है कि आप लेक्चर अटेंड करो और नोट्स बनाओ, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आप फिजिक्स कहाँ से कर सकते हो, कौन कौन से लेक्चर बेस्ट हैं जिनमें कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट भी है, कौन से क्रैश कोर्स हैं, ठीक है। तो आप किसी भी ऑनलाइन बैच में हो, कहीं पे भी हो, तो आपका सबसे पहला काम है आपको लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और नोट्स का मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, नोट्स का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। तो आपका ये जो जून से दिसंबर तक का फेज है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको नोट्स बनाने हैं और नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। ये सबसे बेस्ट चीज होता है आपके पढ़ने के लिए, क्योंकि वो आपका खुद का मेहनत होता है, वो आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स होता है, ठीक है। इसके बाद आपको साल भर में सेल्फ फार्मूला सीट प्रिपेयर करनी है, ठीक है। लास्ट में आपको ये लेके नहीं भटकना है कि हमको कोई फार्मूला सीट दे दो, आप साल भर जो प्रिपरेशन करोगे उसी में आप अपना फार्मूला सीट बनाओगे, ठीक है। आप अपना फार्मूला सीट बनाओगे,
आपका जो फॉर्मूला लिखने का तरीका है वो आप मतलब कि जैसे कि कई बार साइन कन्वेंशन में अंतर होता है, जैसे कि मान लो मैं एक फार्मूला जो बार बार लिखता हूँ कि जैसे कि मान लो आपका टर्मिनल वेलोसिटी है 2/9 जी आर स्क्वायर बाई एटा रोएस माइनस रोएल, ठीक है। तो अब इस फार्मूले को कई लोग कई तरीके से लिखते हैं, 2/9 9 एटा यहीं लिख देंगे, आर स्क्वायर बाहर लिखेंगे, ठीक है, जी यहां लिखेंगे, तो इधर उधर इसमें मतलब कि आपको आपका जो लिखने का तरीका है जो कि आप बार बार लिख रहे हो, जो कि आपको एकदम याद हो चुका है, वो आप अपने याद अपने तरीके का फार्मूला आप लिखोगे और आप अपनी खुद की फार्मूला सीट बनाओगे साल भर में, ठीक है। इसके अलावा आपको सिर्फ एक चीज और करनी है, वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है, ठीक। तो आपको अपने पूरे साल में यही करना है, लेक्चर देखने हैं, उसके नोट्स बनाने हैं, नोट्स के मल्टीपल रिविजन करने हैं, साथ में फार्मूला सीट्स बनाते हुए चलना है और पीवाईक्यू सॉल्व करना है। अब पीवाईक्यू कैसे सॉल्व करना है तो वो मैं आपको बताऊंगा। पीवाईक्यू देखो मैं बेसिकली बताता हूँ, 3 राउंड में पीवाईक्यू अपने आपको सॉल्व करने होते हैं। पहला राउंड जब आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे सॉल्व करते जाओगे, तो उसमें जो आपको अच्छे क्वेश्चन लगे, कुछ क्वेश्चन देखो ज्यादातर क्वेश्चन उसमें आपको ऐसे मिलेंगे जो कि मतलब कि एकदम वन लाइनर होंगे या फिर एकदम इतने आसान क्वेश्चन होंगे जिनको कि मतलब आपको लगेगा कि यदि मैं ये नहीं भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका काम हो जाएगा, मतलब दोबारा नहीं देखोगे। तो जो अच्छे क्वेश्चन है उनको आप स्टार मार्क कर दो, इनसर्कल कर दो, ये पीवाईक्यू का फर्स्ट राउंड होता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड राउंड में आपको वो स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने होते हैं, ये सब चीज करनी होती है, ठीक, वो मैं आपको आगे बता दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे करने हैं। अभी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते जाने हैं और जो अच्छे क्वेश्चन लगे उनको स्टार मार्क करते जाना है, ठीक। अब जिनके ऑलरेडी ड्रॉप्स हो चुके हैं और उन्होंने एक आध बार अच्छे से प्रिपरेशन करी हुई है, उनके लिए क्या है कि उनके पास यदि लेक्चर नोट्स है या लेक्चर नोट्स नहीं है, ठीक है, यदि लेक्चर नोट्स है तो इसको आप क्या करोगे कि आप बार बार अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, यदि उसको समझने में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप उस चैप्टर के उस टॉपिक के लेक्चर को रेफर कर सकते हो, किसी टीचर से पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। यदि आपके पास नहीं है, यदि मान लो आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही गायब है, जैसे कि मान लो आपने सब कुछ पढ़ा, आपका सेमीकंडक्टर छूटा हुआ था पिछले ड्रॉप में, तो आपको जो जो चीजें छूटी हुई हैं उनके लेक्चर नोट्स आपको देखने मतलब लेक्चर देखने और नोट्स बनाने हैं, ठीक है, ये काम आपको करना है। उसके बाद आपको भी वही काम करना है कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो बेसिकली देखा जाए तो आपका सिलेबस, ये जो सिलेबस कंप्लीशन का तरीका है कि मतलब सिर्फ लेक्चर देखना है, नोट्स बनाना है, तो आपका ये काम जल्दी हो जाएगा। तो आपको और भी ज्यादा मल्टीपल रिविजन करने हैं, ठीक, आपको और भी ज्यादा मल्टीपल रिविजन करने हैं। उसके बाद आपने अब तक ज्यादातर लोग अभी तक सेल्फ फार्मूला सीट नहीं बनाए होंगे, दूसरे के फार्मूला सीट पे डिपेंडेंट रहते होंगे, तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको भी फार्मूला सीट बनानी है, अपनी फार्मूला सीट बनानी है साल भर में फिजिक्स वगैरह में, और अपने मतलब कि पॉइंट्स वगैरह जो भी आपको अच्छे लगेंगे, जो भी आप साल भर अभी पार्ट टेस्ट दोगे उसमें जो भी आपको अच्छे क्वेश्चन लगेंगे, अच्छे पॉइंट लगेंगे, वो सारी चीजें आपको नोट करते हुए चलनी है, ठीक। तो ये सारी चीज आप लोग को करनी है। उसके बाद आपको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक आप एक दो बार सॉल्व कर चुके हैं तो आप एक नई बुक लेके आओगे स्पेशली फिजिक्स में, जिसमें आप राउंड वन, जब आपको साल भर राउंड वन सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ना, 3 राउंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं, तो आपका जो राउंड वन है वो आपका साल भर चलेगा। ये क्या, आपका ये जून से दिसंबर तक, इसमें क्या है कि आप जब चैप्टर खत्म करोगे लेक्चर नोट्स के साथ, फिर नोट्स रिवाइज करोगे, कहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी यदि आप करना चाहते हो एग्जाम्पल वगैरह तो वो भी कर लोगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप साल भर करोगे सॉल्व, ठीक है, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे और उसमें जो अच्छे क्वेश्चन होंगे उनको स्टार मार्क करते चलोगे, ठीक। तो ये काम आप लोग को करना है साल भर जून से दिसंबर तक, ठीक। इसके बाद मैं बताऊं कि आपका साल भर रिवीजन और टेस्ट का क्या प्लान रहेगा साल भर में, तो आपको क्या करना है कि टेस्ट आप वही पार्ट टेस्ट दोगे, ठीक है, साल भर आप पार्ट टेस्ट दोगे, लास्ट टाइम में आपको फुल सिलेबस टेस्ट देने की जरूरत होती है, ठीक। तो यदि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, मतलब कि आपका प्रिपरेशन मान लो आप इस बार नीट में एकदम बॉर्डर लाइन पे थे, 550, 590, ठीक है, 600 तक, यहां तक आपका नंबर था, तो आप शुरुआत से ही फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो, ठीक है, आप यहां से फुल सिलेबस टेस्ट दे सकते हो अपने प्रिपरेशन में, ठीक है, और सारी चीजों को एक साथ कवर करते हुए चल सकते हो, ठीक है। बाकी लोग क्या करेंगे कि अपना ये पार्ट सिलेबस टेस्ट साल भर देंगे, इसमें क्या करेंगे कि आपका जो टेस्ट में गलती होगा, जो क्वेश्चन आपका टेस्ट में गलती होगा उसको आप नोट करेंगे, उन पॉइंट को आप हाईलाइट करेंगे, ठीक है, इन तरीके से अपनी गलतियों को कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे साल भर एक जगह पे, है ना। और क्या करेंगे, रिवीजन आपको कैसे करनी है, तो रिवीजन करने के लिए आप देखो, एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, लेक्चर देखे, नोट्स बनाए, ठीक है, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, तीसरे चैप्टर पे गए तो आप पहला चैप्टर रिवाइज कर लिए, ठीक है, एक काम ये कर सकते हो। उसके यही मतलब कि यही एक बेहतरीन तरीका है कि आप दो तीन चैप्टर, जब आप तीसरे चौथे चैप्टर पे जाओ तो पीछे मुड़ के पहला चैप्टर रिवाइज कर लिया, पांचवें चैप्टर पे गए तो दूसरा रिवाइज कर लिया, छठवें पे गए तो, समझ रहे हो ना, ऐसे ही मतलब कि आप आगे बढ़ते जाओगे और पीछे के चैप्टर को देखते जाओगे, ठीक। तो ये चीज आपको जो करनी है, ये वाली रिवीजन आपको साल भर करनी है, ठीक है, ताकि आपका कुछ भी भूले ना,
है ना। इसको और कैसे कर सकते हो कि जैसे कि मान लो आपने 10-12 घंटे के लेक्चर हैं फिजिक्स के, मान लो फिजिक्स का एग्जांपल लेते हैं, तो आप क्या है कि पहला चैप्टर आपने कंप्लीट किया, दूसरा कंप्लीट किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया कि पहले वाले का क्रैश कोर्स कोई एक घंटे का अटेंड कर लिया, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने फिजिक्स वाले वीडियो में बताई है कि कहां से आपको चीजें करनी है। तो ये हो गया आपका साल भर रिविजन और टेस्ट का क्या प्लानिंग है। इसके बाद चलते हैं वीडियो के पार्ट थ्री पे कि लास्ट के 3 महीने में आपको क्या करनी है। तो बेसिकली ये चीज अभी बताने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको यदि लास्ट में ही बताई जाए तो ज्यादा अच्छी है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा सा मोटा मोटा कि आपको जैसे कि लास्ट के मतलब कि अभी आपका 3 महीने बाद एग्जाम है, ठीक है। तो आप मतलब कि आपका मई में मान लो एग्जाम है, तो आप मार्च में क्या करोगे, नहीं आप फरवरी में क्या करोगे कि आपको यहां तक आते आते अल्टरनेट डे पे टेस्ट देने शुरू कर देने हैं फुल सिलेबस, ठीक है। मार्च अप्रैल में आपको क्या करना चाहिए, मार्च अप्रैल में क्या करना चाहिए, आपको डेली टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। आपको डेली टेस्ट देने चाहिए, फुल सिलेबस टेस्ट देने चाहिए, और लास्ट मंथ में आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, ठीक है। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपके पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके लेक्चर्स आप अटेंड किए होने चाहिए, आपके पास उनके नोट्स होने चाहिए, आपका PYQ पूरा एक बार सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल और जो भी चीजें हैं वो चीजें आपके कंप्लीट होनी चाहिए, है ना, और नोट्स के मल्टीपल रिविजन हो जाने चाहिए, ठीक। तो लास्ट के मंथ में आपको सिर्फ रिविजन करना है, ठीक है। आपके पास जो भी मटेरियल रहेगा वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि क्या करना है कैसे करना है, लेकिन लास्ट में आपके खुद के मटेरियल आपको रिवाइज करना है, है ना। जैसे कि मैंने बताया आपका सेल्फ फार्मूला सीट, या फिर मैंने जो बताया कि आपने जो स्टार मार्क किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देखो अब यहां से मैं बताऊं तो मैं क्यों कह रहा था कि मेरा जो मैं जो आपको यहां पे प्लान बताने वाला हूं वो काफी सिंपल है। ये मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है, है ना। साल भर आराम से लेक्चर अटेंड करना है, नोट्स बनाना है, उसी को बार बार रिवाइज करना है और PYQ सॉल्व करना है ना। और फार्मूला सीट बनाने में कौन सा टाइम लगेगा यार अपने आपको। तो यही इतना काम करना है और एकदम सिंपल तरीका है और यही होता है। इसके अलावा आपको कोई दुनिया भर की चीजें बताएं, ये करो वो करो ऐसे करो वैसे करो दुनिया भर का मोटिवेशन, तो वो मैं देखो नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है। जो सही तरीका है, जो एक्चुअल तरीका है, जो जेन्युइन तरीका है, वो यही है कि आपको बस सिंपली लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने हैं, उसी को बार बार पढ़ना है, ठीक। जहां पे बहुत लगे कि आपको नहीं ये मतलब कि ये टॉपिक मेरे को बहुत अच्छे से नहीं क्लियर हुआ या फिर इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, हाँ फिजिक्स वगैरह में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई एक बुक उठा लो जो कि मतलब कि जैसे कि एक डीसी पांडे बुक है, वो काफी अच्छी बुक है, उसके एग्जाम्पल्स अच्छे दिए हुए हैं, या कोई मॉड्यूल उठा लो एलेन या आकाश का, तो उसके क्वेश्चन आप वहां से प्रैक्टिस करते रहो साल भर, ठीक। तो यही है, यही तरीका है। और लास्ट के मंथ में लास्ट का 3 महीने आपको एकदम साफ साफ बचा के रखना, ठीक है। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई, ठीक है, लेकिन यही है जो आपका तरीका है। इसके बाद मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा जिसमें कि मैं फिजिक्स के लिए स्पेशली फोकस करूंगा कि फिजिक्स को कैसे करना है साल भर, है ना। इस वीडियो में भी आपने यदि नोटिस किया होगा तो मैं जो है कि आपका फिजिक्स पे बार बार जा रहा था। तो देखो एक वीडियो में बताऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फिजिक्स आपको कैसे करनी है, ठीक है, एकदम अच्छे से प्रॉपर तरीके से। और एक वीडियो में पता है बनाने वाला हूं जो है आपका कि फिजिक्स के चैप्टर के सीक्वेंस आपको कैसे रखने, यदि आप ड्रॉपर हो 11th-12th का, मतलब पढ़ चुके हो एक बार का, तब आपके नजरों से एक बार सिलेबस यदि बीत चुका है तो आपको फिजिक्स के चैप्टर सीक्वेंस क्या रखने हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ग्रेविटेशन आपको साथ में करनी चाहिए, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ये साथ में करनी चाहिए चारों चैप्टर। तो ये सारी चीजें अभी डिस्कस होंगी और फिजिक्स कैसे करना है वो सारी चीजें अभी डिस्कस होंगी। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अभी एक सीरीज ऑफ वीडियोज आएंगी, मतलब एक सीक्वेंस में 6-7 वीडियोज रहेंगे, 8 वीडियोज, ठीक है। तो उनको आप यदि देख लेते हो तो वैसे तो ये चीजें हो गई आपकी, मतलब कि आपको अभी अपनी तैयारी कैसे शुरू कर देनी है, ठीक है। बाकी बीच बीच में जो चीजें आएंगी उनको आप देखते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी है, कैसे करते रहनी है, है ना। यदि आप ड्रॉपर हो, आपके नजरों से एक बार सिलेबस बीत चुका है, तो आपको मतलब कि कैसे चीजें करनी है वो सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स कैसे करें, है ना, ठीक है, थैंक यू।